हेलो गाइस, आज मैं आपको माइक्रोवेव डिवाइस के बारे में बताऊंगा। ये माइक्रोवेव का M4 है, क्विक सेंस के ब्रांड का। इसकी अनबॉक्सिंग एंड वायरिंग एंड आपको प्रोग्रामिंग दिखाता हूँ, इसकी कैसे करते हैं, कैसे वायरिंग होती है। तो आइए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। आपको अनबॉक्सिंग में मिलने वाला है एक यूनिट जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, 3 नॉब के साथ में। और इसके साथ में मिलने वाला है आपको इंस्टॉल करने के लिए गेटवे पेज, और एक मिलने वाला है इसके इंस्ट्रक्शंस के लिए माइक्रोवेव का मैनुअल सॉरी माइक्रोवेव डिवाइस का। करेक्ट, नॉब्स की सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ये कुछ 3 नॉब्स होते हैं इसमें, टाइम, सेंस एंड लक्स। तो हमें मिनिमम टाइम के लिए माइनस पर ले जाना होता है, और मैक्सिमम टाइम के लिए अगर हम ज्यादा देर तक इसको मतलब 1 स्टार्ट पे अगर हम ज्यादा देर तक चलाना चाहते हैं तो अपने अनुसार टाइम एडजस्ट कर सकते हैं आपको इसमें, और कम से कम 10 सेकेंड तक आप कर सकते हैं और 10 मिनट्स तक मैक्सिमम कर सकते हैं। सेंसिंग के लिए आपको वो मैक्सिमम कर सकते हैं, और कम सेंसिंग के लिए आपको माइनस पे कर सकते हैं, जहाँ ज्यादातर नजदीक में कोई मतलब जाना आना होता है तो मूवमेंट होती है, तो उसके लिए सेंसिंग पावर कम कर सकते हैं। लक्स के लिए डे नाइट में अगर सन की तरफ करते हैं तो डे नाइट दोनों चलेगा, अगर मून की तरफ करते हैं तो नाइट नाइट में केवल कार्य करेगा, काम करेगा। तो मैं आपको इसके बारे में, आपको मैंने नॉब सेटिंग के बारे में बता दिया, तो मैं आपको यहाँ पे ये मेरा लक्स की तरफ मैं प्लस में कर देता हूँ, मीन्स सन की तरफ कर देता हूँ, क्योंकि मेरे टेस्टिंग पर्पस से। मैंने ये लक्स की तरफ कर दिया, सेंस मेरा ठीक है और टाइम भी मेरा ठीक है। तो मैं आपको इसकी वायरिंग भी करके दिखा देता हूँ, किस प्रकार से वायरिंग करते हैं। इसके 2 पेज खोलने के बाद कुछ यहाँ से पेज खोल लेते हैं, यहाँ से पेज खोलने के बाद इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। इसको चीज ऐसा मिलता है, इसको ये इस टाइप का कनेक्टर मिलता है, इसको निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको इसके कलर कोडिंग के बारे में बता देता हूँ। ये कलर कोडिंग के लिए, ये ब्लू कलर जो है वो न्यूट्रल कॉमन के लिए दे रखा है, और ये ब्राउन कलर है, वीडियो में शायद ब्लैक के जैसा दिखता है मगर ये ब्राउन कलर है। ब्राउन कलर जो हमारा इनपुट का फेज वायर होता है उसके लिए होता है, ये आउटपुट का हमारा वो आउटपुट के लिए होता है ये फेज वायर, ये न्यूट्रल कॉमन होता है। तो दोनों न्यूट्रल को हम एक साथ कॉमन करके दे सकते हैं, ये कोडिंग है इसकी, कलर कोडिंग। आइए तो मैं आपको इसकी वायरिंग करके दिखा देता हूँ। वायरिंग की लोड के लिए मैंने देखिए ये LED बल्ब ले रखा है, जो कि कुछ इस प्रकार से मैंने इसको बना रखा है। और प्लगइन के लिए मैंने, इनपुट के लिए मैंने कुछ इस प्रकार से बना के रेडी कर रखा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कॉमन कॉमन को ज्वाइन करके न्यूट्रल दोनों को, आउटपुट का एंड लोड का, मैं ब्लू के साथ डाल देता हूँ, जो कि दोनों कॉमन है। ये मैंने कर दिया। अभी मैं लोड का फेज वायर, जो कि मैंने येलो से डिफाइन कर रखा है, ये मेरा फेज के लिए, तो मैं इसको रेड के साथ में डाल देता हूँ, कि लोड का फेज वायर है। सेकंड वायर, फर्स्ट वायर मैंने आपको ब्लू के साथ दे दिया जो कॉमन में ले लिया है, और सेकंड वायर मैंने रेड के साथ दे दिया जो कि आउटपुट का सेकंड है। अभी मेरा इनपुट का फेज वायर बचा है, जो लाइव वायर कहते हैं जिसे, वो मेरा ब्राउन के साथ जाएगा। इस प्रकार से आपकी जो है ये वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। अभी मैं इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में बता देता हूँ आपको, प्रोग्राम कैसे करता है ये, कैसे काम करता है
माइक्रोवेव डिवाइस M4। तो आइए मैं इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की हमें जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक्सटेंशन या कुछ ले लेते हैं जो कि मेरा डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट रहता। एक सेकेंड, मैंने ब्लू के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी एक्सटेंशन के लिए मैंने एक छोटा एक्सटेंशन ले रखा है जो कि मैं इसको यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करूंगा। तो ये मेरा एक्सटेंशन है छोटा जो कि अभी देख पा रहे हैं। अभी इसमें हम लोग देख रहे हैं आप ब्लू कर रहा है। अभी अब मैं टेस्ट करूंगा इसमें फेस कहाँ पे है। तो मेरा फेस इसमें आ रहा है और इसमें न्यूट्रल है। तो फेस के लिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है रेड कलर का, तो मेरा फेस इस तरह से जाएगा। तो मैं कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर दूंगा। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, अभी मेरा डिवाइस प्रोग्रामिंग के लिए रेडी है। तो मैं जैसे प्लग स्विच ऑन करूंगा तो ये मेरा ऑन हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम ग्लो करके फिर ऑफ होके फिर स्टार्ट होता है कुछ इसकी प्रोग्रामिंग की वजह से। अभी ये ऑफ हो गया। इसके सामने जब तक कोई मूवमेंट नहीं होता तो ये ऑफ रहेगा और ऑफ रहेगा, और इसके सामने कोई मूवमेंट होगा तो ये ऑन हो जाता है। अभी इसके सामने कुछ मूवमेंट हो रहे हैं। ये ऑफ हो गया है। अभी इसके सामने मूवमेंट होगा तो ये ऑन हो जाएगा। इसके लिए हमें इसके सामने क्या करना होता है, मूवमेंट करना होता है या फिर बेसिकली इसका काम ही यही है कि इसके सामने जब मूवमेंट हो तो ये ऑटो ऑन हो जाए, इसको स्विच ऑन ऑफ करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं आपको इसके सामने मूवमेंट करके दिखाता हूँ ताकि ये ऑन हो सके। ये देखिए, ये इसकी प्रोग्रामिंग है एंड सेटिंग है एंड वायरिंग मैंने आपको बता दी इस वीडियो में। तो यही सब मतलब इसका ये बेसिकली काम जो है यही। थैंक यू।